बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हसन की तरफ से आप तमाम दोस्त अहबाब को आस मुस्लिम टीचर में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह की रहमत और फजल से खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप तमाम दोस्त अहबाब को मौलिक अमराज और ख़तरा से हिफाजत का एक नहायत ही मुजरब अमल बताने वाला हूँ। वो क्या है कि बाज़ बुज़ुर्गों से ये मनकूल है कि जो शख्स फजर और मगरिब की नमाज के बाद इन पांच अस्माउल हुस्ना को रोज़ाना 11 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाएगा तो इंशाअल्लाह कभी किसी गंदी बीमारी में मुबतला नहीं होगा। गंदी बीमारी से मुराद ये है कि ऐसी बीमारियां कि जिनका इलाज ही नामुमकिन हो, ठीक है, जैसे बीमारी है शुगर है, कैंसर है और दीगर ऐसी मोहलिक बीमारियां हैं कि जिसकी वजह से इंसान की जान चली जाती है। तो अल्लाह ताला सबसे पहले हम सबको महफूज फरमाए इन बीमारियों से। तो एक तो ये है कि कोई गंदी बीमारी नहीं लगेगी और उसके साथ साथ क्या होगा, ना ही उसे कोई अचानक हादसा पेश आएगा कि ऐसे ही अचानक मौत आ गई, घर से निकला और घर में वापस ही ना आया। तो इस तरह के अचानक हादसात से अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुकम्मल हिफाजत फरमाएंगे। अब जो तीसरी बात है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त बात है। वो क्या है, ये अमल करने वाला हमेशा हमेशा खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारेगा, कोई गम उसको नहीं आएगा, ठीक है, कोई परेशानी कोई मुसीबत किसी भी मामले में किसी परेशानी में नहीं फंसेगा इंशाअल्लाह। हमेशा खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारेगा, माली तौर पर भी खुशहाली होगी, ठीक है, और रूहानी तौर पर भी उसको कल्बी राहत महसूस होगी इंशाअल्लाह। और वो अस्माए मुबारक क्या हैं वो ज़रा आप स्क्रीन पर नोट फरमा लें। या अल्लाह, या रहमानु, या रहीमु, मालिकु कुद्दूसु, ये तरतीब के साथ आपने इसी तरह पढ़ना है। फजर की जो फ़र्ज़ नमाज है वो ख़त्म होने के बाद अपनी जगह से उठने से पहले 11 मरतबा इन अस्माउल हुस्ना को पढ़ लें, ठीक है। इसी तरह जब मगरिब की आप 3 रकात नमाज फ़र्ज़ पढ़ेंगे उसके बाद अपनी जगह से उठने से पहले इन अस्माए मुबारक को 11 दफ़ा पढ़ लें। बस इतना से आपने करना है और सारे ज़िंदगी का मामूल बना लें। इंशाल्लाह चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद दिन ही गुजरेंगे इंशाल्लाह, फिर आप देखें आप अपनी ज़िंदगी में खुद ही तब्दीली महसूस करेंगे। तो ये है ज़बरदस्त मोहलिक अमराज खतरात से बचने का और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारने का ये राज जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस अमल से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। क्या मालूम आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।